हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSD एजुकेशन क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। टुडेज अवर टॉपिक इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यहां पर उनको हम शॉर्ट फॉर्म में SEBI मीन्स सेबी भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट इन 1988। इट बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर सेबी एक्ट 1992। 1992 के एक्ट में सेबी एक स्टेटरी बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो गया। पहले यह स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू 1988 में, और 1992 में उसे एक एक्ट के अंतर्गत एक स्टेटरी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया, और आज उसका हेड ऑफिस है मुंबई में। द मेन ड्यूटी ऑफ बोर्ड इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। और मेन सेबी की ड्यूटी है कि जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड या कोई भी प्रकार के सिक्योरिटीज रहती हैं ये सब। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें हम सिक्योरिटीज कह सकते हैं। तो इन सिक्योरिटीज को प्रोटेक्ट करने का काम था सेबी का। द मेन ड्यूटी ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जितने लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटीज में, तो सेबी एक ऐसा बोर्ड है जो इनके लिए सिक्योरिटी की तरह काम करता है, क्योंकि अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो सेबी उनके लिए पनिशमेंट या फिर कहीं ना कहीं उनको क्या करना है ये बताएगा। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट टू प्रमोट फेयर डीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। सेबी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें फेयर डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बताता है। इट मीन्स अगर कोई भी फ्रॉड करता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो सेबी उनके लिए प्रोटेक्ट करता है उनको। सेकेंड पॉइंट सेज दैट टू प्रोवाइड मार्केट प्लेस टू कंपनीज टू रेज देयर फंड। सेबी एक ऐसा प्लेस है, मार्केट प्लेस है, जहां पर कंपनीज को इजिली फंड अगर जरूरत है, अगर कंपनीज को फंड की जरूरत है तो वो इजिली अपने शेयर्स को बेचकर वहां से फंड इकट्ठा कर सकते। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाला है। जैसे कि आरबीआई रहता है, आरबीआई सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज में सभी शेयर्स को कंट्रोल करता है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर, सेबी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। इट मीन्स जो भी पर्सन शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और अगर उनको सेफ नहीं लग रहा है तो सेबी उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर कंपनीज में कहीं ना कहीं कंपनीज ने अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड मीन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, उनके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आगे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फोर्थ पॉइंट सेज दैट टू रेगुलेट द बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर फोर्थ फंक्शन में बताया गया है कि जो सेबी है वो रेगुलेट करता है सभी बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज के। इट मीन्स स्टॉक एक्सचेंज में जो भी काम किए जाते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम रहता है सेबी का। इट प्रोहिबिट फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी फ्रॉड हो रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है तो उनको रोकने का काम भी सेबी का ही है। सिक्स पॉइंट सेज दैट अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर सेबी का काम है कि स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करना, उनको इंस्पेक्ट करना। सेवन पॉइंट सेज दैट इट कंडक्ट इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर सेबी का काम है कि सभी बुक्स को चेक करना, ऑडिट करना, इंस्पेक्शन करना, और अगर जरूरत पड़ती है तो इंक्वायरी भी बिठाना स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और भी डिटेल पता लगाना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। एट पॉइंट सेज दैट सस्पेंड स्टॉक एक्सचेंज इफ फाउंडेड गिल्टी। अगर इंक्वायरी करते समय या इंस्पेक्शन करते समय स्टॉक एक्सचेंज की बुक्स में से स्टॉक एक्सचेंज किसी भी प्रकार की गिल्टी फाउंड करता है तो यहां पर उनको सस्पेंड करने का भी काम सेबी का ही रहता है। नाइन पॉइंट सेज दैट रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट एक्सेट्रा। इट मीन्स सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को ही कंट्रोल करने का काम सेबी का नहीं है, इसके अलावा जितने लोग भी स्टॉक ब्रोकर हैं या शेयर ट्रांसफर एजेंट है उनको भी कंट्रोल करने का काम सेबी का ही है। इट मीन्स जितने भी रूल्स रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज या शेयर ब्रोकर या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट के लिए बनाए जाते हैं वो सब सेबी ही बनाता है।
एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लाइक म्यूचुअल फंड. यहां पर म्यूचुअल फंड जैसे इंस्टीट्यूट को भी कंट्रोल करने का काम सेबी का ही रहता है. जैसे कि हमने आपको बताया म्यूचुअल फंड जो रहता है वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है. ये सेबी के अंडर में काम नहीं करते हैं लेकिन ये अलग से लोग रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाते हैं. तो म्यूचुअल फंड जैसे स्कीम चलाने के लिए भी सेबी का ही कंट्रोल उसमें रहता है. आइए फ्रेंड्स देखते हैं पावर्स ऑफ सेबी. आइए देखते हैं पावर्स ऑफ सेबी. द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट इट कैन लाइसेंस डीलर इन सिक्योरिटी इन सम एरिया. अगर सेबी को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है तो वो लाइसेंस भी लगा सकती है कुछ एरियाज पे. तो कुछ एरियाज पे वो लाइसेंस भी अलाउड कर सकती है. इट कैन कॉल पीरियोडिकल रिटर्न्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज से पीरियोडिकल रिटर्न्स की डिमांड भी कर सकती है कि पूरे साल भर में या 6 महीने में उन्होंने कितना रिटर्न निकाला और कितना ट्रांजेक्शन किया. इट कैन अप्रूव एंड अमेंड बाय लॉस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकती है, उनको लॉस को चेंज कर सकती है. अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज पूरा पावर है सेबी को कि वो अपने रूल्स बना सकती है और जब चाहे जैसे चाहे उसको अमेंड कर सकती है. अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना. फोर्थ पॉइंट इज दैट इट मे आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज. अगर उनको लगता है स्टॉक एक्सचेंज सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो यहां पर सेबी कभी भी स्टॉक एक्सचेंज से डिमांड कर सकती है किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए. फिफ्थ पॉइंट इज दैट सेबी कैन आस्क टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड. सेबी स्टॉक एक्सचेंज से बोल सकती है या उनको बता सकती है कि आपको रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और आपको वो सारे सबमिट करने हैं. सिक्स पॉइंट इज दैट कैन इंट्रोड्यूस स्पेशल रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स. सेबी चाहे तो एक स्पेशल रूल बना सकती है, स्पेशल एक्ट बना सकती है ताकि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स रह सके, ताकि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड रह सके. सेवन पॉइंट इज दैट पावर रिलेटिंग टू द मॉनिटरी पेनल्टी. अगर किसी तरीके से अगर हमें लगता है या सेबी को लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज सही तरीके से बिहेव नहीं कर रही है या कंपनी फ्रॉड कर रही है तब उस केस में पेनाल्टी भी लगा सकती है सेबी. कितनी पेनाल्टी लगाना है वो सेबी डिसाइड करेगी. टू रेगुलेट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. सेबी का मेन पावर रहता है कि जितनी भी ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है अगर अनफेयर हो रही है तो उनको रोकना. तो यहां पर अगर हम इन शॉर्ट देखें तो सेबी का काम है रूल्स रेगुलेशंस बनाना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना, जहां जरूरत है वहां पर पेनाल्टी लगाना, लाइसेंस प्रोवाइड करना. और ये सब सिक्योरिटी अगर सेबी देती है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स सिक्योर हो जाते हैं और वो आराम से अपने पैसे शेयर मार्केट में लगा सकते हैं. तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कंक्लूजन ये कह सकते हैं सेबी रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है पूरे ही शेयर मार्केट को. और अगर जितने भी रूल्स अगर आप देख रहे हैं शेयर मार्केट में चल रहे हैं इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी ओनली. होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.